बॉक्स में जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में। में उसपे आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को ब्लॉग्स मिलेंगे। चीचा, जब से यहाँ आया हूँ मंजुलिका मंजुलिका सुने जा रहा हूँ, कमिंग टू गेट यू मंजू। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग मजे में। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था जी भूल भुलैया 2 का टीज़र। सो अगर आपने वो रिएक्शन ही देखा तो यहाँ पे लिंक पॉपअप हो रहा होगा, जाके उसको देखें। देखने के बाद यहाँ पे आएँ तो जी भूल भुलैया 2 2007 की फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल है, जिसमें अक्षय कुमार थे, डायरेक्ट किया था प्रिया दर्शन ने, इसको डायरेक्ट किया अनीस बाजमी ने, जिन्होंने नो एंट्री को भी डायरेक्ट किया हुआ है और भी वेलकम बहुत सारी मूवीज़ को। और इसमें अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन आ गए हैं और कियारा आडवाणी आ गई हैं, विद्या बालन की जगह तब्बू भी हैं। सो देख लेते हैं ट्रेलर। देखने के बाद हम इस पर पूरी डिस्कशन भी करेंगे कि ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिला, हम थोड़ा सा वो भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपना रिव्यू भी देंगे जैसे कि हमेशा देते हैं। तो स्टे विद अस। अच्छा मतलब ही नीचे लिखा आ रहा है। 15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। चेंज है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। तो इसकी चेंज होगी स्टोरी थोड़ी। I can see dead people। बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूँ मैं। माँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देख लो। अनीश से बात करो। आपके पीछे जो दो आत्माएं खड़ी है उनसे बात करो। मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी। मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। का अंतर्यामी है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। इससे तो अच्छा हो तो बिग बॉस में चलो जाए, तो कम से कम वहां पे बेइज्जती के पैसे तो मिले। पंडित जी ने कहा है कि शुक्रवार को कुत्तों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। लो लो। ओए बच्चा करो। कोई मंजुलिका नहीं है। की हवेली भूल भुलैया है। भूल भुलैया। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है रूहान। जब से यहाँ आया हूँ मंजुलिका मंजुलिका सुने जा रहा हूँ, कमिंग टू गेट यू मंजू। तुम मंजुलिका कैसे हो सकती हो? डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और चुड़ैलों के फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। ये सही हाल था। इसको तो दिखाएंगे बकायदा। हाँ, इसके अंदर आ गई ना मंजुलिका। बाहर आ गई है, उसने मुझ पर हमला किया। अब भी मिलना चाहोगे तुम मंजुलिका से? हमारी वजह से मंजुलिका बाहर आई है, सबकी जान खतरे में है। भागते हैं ऐसे? हम ठाकुर हैं और हम मुसीबत से कभी भागते नहीं है। हाँ तो हम भी रंधावा है, मुसीबत आती ना निकल लेते। गिराया ना। आमीजे तो मां। ओए इसके अंदर आ गई है अरिजीत सिंह की आवाज। आमी जे तो मां। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ भाई। लाइक फर्स्ट जो ट्रेलर था उसमें ये बताते हैं जी कि मंजुलिका जो है सिर्फ विद्या बालन के एक ब्रेन में स्टोरी है। हाँ, नहीं इसमें डिफरेंट कर दिया बेसिकली, दिखाई है कि है। अच्छा, पहले तो इससे पहले कि हम ट्रेलर की बात करें, मुझे मजा आया है ट्रेलर देख के। थोड़ा कॉमेडी भी है ना, मैंने एंजॉय किया है इसको। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी क्योंकि मैं अक्षय को जहन में लेके बैठा हुआ था। अक्षय को नो डाउट मिस किया है, लेकिन जो स्टोरी चलाई है वो मजेदार चलाई है कि कार्तिक आर्यन का दिखाया है कि जी कहते हैं मुझे भूत-छूत नजर आते हैं ना। अब वो
पता नहीं सच बोल रहे हैं या मजाक में कहते रहते हैं। क्यों लगता है कि शुरू में शायद वो थोड़ा मजाक कर रहे होते हैं, तो वो जो एक पंडित होते हैं वो कहते हैं कि तो हमसे भी बड़ा है। हाँ तो ये है कि कुछ डायलॉग्स बहुत मजे के हैं। और तब्बू बताती है कि जी मंजुलिका काफी सालों के बाद वापस आ गई, 15 सालों के बाद, और काला जादू करती है और ये कोई आम चुड़ैल नहीं है। तो बेसिकली वो दरवाजा उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ के बंद किया हुआ होता है। हाँ, तो ये जाके वो दरवाजा खोल देते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि इनकी लव इंटरेस्ट कियारा आडवाणी है, उनके साथ सॉन्ग दिखाया हमको कियारा में ही सब, और फिर उसी हवेली में ये आ जाते हैं। और राजपाल यादव है, संजय मिश्रा है, दोनों की कॉमेडी बहुत मजे की। और एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, गजब बेइज्जती हो रही इनकी, इससे अच्छा बिग बॉस में चला जाता, कम से कम पैसे तो मिलते हैं बेइज्जती के। अच्छा मुझे ना हुआ कि जब उन्होंने दरवाजा खोलते हैं तो एक मंजुलिका है जो चीख रही है, उसके बाद वो दिखाई वो तब्बू के अंदर, उसके बाद दिखाई कियारा के अंदर आ गया वो। हाँ, तो एक बच्चा कार्तिक आर्यन को कहता है कुत्तों के आगे खाना कुछ डालने वाला डायलॉग बोलता है, तो कि ये ले आप खाना लें। तो वो कुछ डायलॉग अनीस बाजमी से हम लोग कॉमेडी बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नो एंट्री, वेलकम, वेलकम बैक और इस तरह की बहुत सारी मूवीज, थैंक यू, इन्होंने बनाई है और मेरे काफी फेवरेट डायरेक्टर है। अच्छा एक जगह इन्होंने, पता नहीं मुझे एक ट्विस्ट आया था कि कार्तिक जो है वो कायरा आडवाणी को धक्का भी देते हैं, गिराते भी हैं, तब्बू फिर उन्हें कहते हैं कि आप मिलना चाहोगे तुम। हाँ, इनके अंदर भी अच्छा एंड में अरिजीत सिंह की जो आवाज आती है। तो तब्बू जब इनको बताती ना कि कार्तिक आर्यन को तुमने बहुत सारी आत्माएं देखी होंगी लेकिन ये वैसी नहीं है, तो वो बोलते यार जब से हवेली में आया मंजुलिका सुन रहा हूँ मैं, देख लेता हूँ मंजुलिका को, और अंदर जाते हैं खोलते तब्बू क्या। हाँ, तो वो देखते हैं उसको और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स और जो चुड़ैलों के पैर हमेशा उल्टे ही होते, एकदम उल्टे होते, कड़ा करके उल्टे होते। कियारा आडवाणी का दिखाते हैं पांव, फिर कियारा में वो आ जाती हैं, उसमें दिखाते हैं कियारा जब उल्टी गर्दन के बल जो है खड़ी हुई है। हाँ, तो कियारा में जब वो आ जाती है तो वो काफी इम्प्रेसिव बनाया है। और फिर ये है कि किस तरह से कियारा तंग कर रही है सबको, तब्बू को या कार्तिक आर्यन, जैसे कि इसने बताया कि फेंकते हैं कियारा को नीचे। दूसरा ये है कि इसमें फिर उनको कहा जाता है कि तुमने मंजुलिका को फ्री कर दिया है, और एंड में क्या होता है जी, कार्तिक आर्यन, अरिजीत सिंह की आवाज़ आती है आमी जे तो माँ की, और क्या खूबसूरत आवाज़ है, और दिखाया जाता है कि कार्तिक आर्यन के अंदर वो आ गई। और एक सीन था कि कार्तिक आर्यन के सामने एक हुड में एक और कार्तिक आर्यन भी खड़े हुए हैं, और मुझे यार इंप्रेसिव लग रही है कार्तिक आर्यन की एक्टिंग भी, देखें इंप्रूव लग रही है। हाँ, कार्तिक आर्यन ने मजेदार एक्टिंग की, और वो ही पुराना गाना तेरी आंखें भूल, वो पुराने टाइम याद आ गए। और उसके अलावा ये मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मूवी बहुत ज्यादा हॉरर ना भी हो तो खैर है, लेकिन वो जो एंड तक एक डर बना रहना चाहिए, एक सस्पेंस बना रहना चाहिए, वो किस तरह से बरकरार रखता है डायरेक्टर, वो चीज होती है। पिछले में तो उन्होंने नहीं दिखाई थी ना मंजुलिका, इसमें बकायदा दिखा रहे हैं, इसमें बता दिए कि वो कियारा के अंदर चली गई, किस तरह गई है, किस तरह से छुटकारा पाएंगे, ये सारा सीन है। एंड मिस अक्षय कुमार को मिस कर रहा हूँ, परेश रावल को मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मज़ा आया मुझे देखने का। आप बताएं आपको फर्स्ट, मतलब आपने देखा ट्रेलर तो क्या सोच लेके देखा, और देखने के बाद आपके क्या ख्याल आते हैं हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग्स एज वेल। एंड बाकी मुझे मज़ा आया और मैंने आपके सामने रख दिया कि मुझे मज़ा आया, मैंने पहली बात देखी, मुझे भी अच्छा लगा। चलो क्यों होता है कि फर्स्ट पार्ट अच्छा तो सेकंड भी अच्छा होगा, मुझे लगता है कि अच्छा होने वाला है सेकंड पार्ट, मज़ा है। तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो यू वांट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय ब्लॉग से, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो लेटेस्ट फॉरचून अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए ढेर सारे रिएक्शंस लेके आएंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।